विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोक कला का महत्व। बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे जीवन में लोक कला का क्या महत्व है। लोक कला का महत्व, लोक कला का महत्व, लोक कलाएं किसी समुदाय के, लोक कलाएं किसी समुदाय के सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं। ये कला का ही एक रूप है लोक कला। कला का ही एक रूप है लोक कला। लोक कला का जन्म सांस्कृतिक भावनाओं रीति रिवाजों रीति रिवाजों परंपराओं से हुआ है। विद्यार्थियों, इस लोक कला की जननी महिलाएं हैं, वाहक भी महिलाएं ही हैं। तो लोक कला बनाने का कार्य जो मुख्य रूप से किया जाता है महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो वाहक और जननी दोनों ही हैं वो महिलाएं ही हैं। ये हमारा था लोक कला का महत्व। तो सांस्कृतिक विरासत का को संरक्षित करने के लिए लोक कला को अधिक सामने लाया गया था और यही इसका मुख्य कार्य है। अब लोक कला के विषय में कुछ विद्वानों के तर्क हैं, उनको देख लेंगे। लोक कला के विषय में महत्वपूर्ण विचार
और ये विचार किसके हैं? जैसे पहला विचार है असित कुमार हल्दर का, असित कुमार हल्दर ने लोक कला के विषय में क्या कहा है? लोक कला जनमानस के, ये असित कुमार हल्दर का विचार है, लोक कला जन सामान्य के ऐसे आलेख हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये असित कुमार हल्दर साहब का कहना था कि लोक कला जन सामान्य के ऐसे आलेख हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा कला इतिहासकार का मत है प्रोफेसर सी एल झा के अनुसार, प्रोफेसर सी एल झा के अनुसार उन्होंने कहा लोक कला हमारी धार्मिक एवं आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ये कहना है प्रोफेसर सी एल झा का, जो मानव हृदय की उपज है, वही लोक कला है। ऐसा कहना है प्रोफेसर सी एल झा का। अगले कला इतिहासकार हैं शैलेंद्रनाथ सामंत। शैलेंद्रनाथ सामंत, इनके अनुसार लोक कला क्या है? इन्होंने कहा लोक कला सामान्य जन समुदाय की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। लोक कला सामान्य जन की सामान्य जन समुदाय की सामूहिक सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है।
अभिव्यक्ति है। ऐसा विचार है शैलेंद्रनाथ सामंत का, जो कि एक कला इतिहासकार है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे विद्यार्थियों। आगे हम पढ़ेंगे लोक कला के अंतर्गत आने वाली कलाएं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और ढेर सारा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आपको हमारे वीडियोस पाने हैं टाइमली, तो क्लासेस को देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अन्यथा क्लासेस आपकी मिस हो सकती हैं। विद्यार्थियों, 5 जनवरी से 2024 नया बैच शुरू हो रहा है। ज्वाइन करने के लिए संपर्क करिए। (8545) 00 44 67 इस नंबर पे संपर्क करके आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात विद्यार्थियों, इस समय आज से ही एडमिशन शुरू हो रहा है। क्लास की स्टार्टिंग में (24 तारीख तक विशेष छूट है। आप क्लास अवश्य ज्वाइन करें। विद्यार्थियों, इस बार की क्लास में बहुत कुछ आपको नया देखने को अवश्य मिलेगा और पैटर्न भी बहुत ही यूनिक होगा और वो चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाएगा जिनसे आपका सिलेक्शन हो। तो विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन क्लास होगी, इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहें।